रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका दीज आर फॉलोइंग, देखिए रदरफोर्ड ने कहा था कि जो किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सही बात है। अगर क्या बताइए जो है, अगर हम आपको दौड़ने के लिए कह दें तो क्या आप जो है इनफाइनाइट टाइम तक दौड़ते रहेंगे, आप थकेंगे नहीं, थकेंगे ना। तो ऐसे एक है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक किसने दिया था, मैक्सवेल, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक को जो है मैक्सवेल ने दिया था आपका, ठीक है, मैक्सवेल। मैक्सवेल नाम साइन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक को जो है मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग ये है आपका, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग ये है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है या सर्कुलर बॉक्स में रिवॉल्व कर रहा है या मोशन कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन करेगा। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एनर्जी कंजर्वेशन करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एक और धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। तो आपका एक समय ऐसा होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एटम के न्यूक्लियस के क्लोज में आ जाएगा, और एक समय ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में पार करने का मतलब है विशेषण ऑफ एटम, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक आपने देख लिया, जैसे मान लीजिए एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए आइटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड मूव करेगा। तो ये क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोडायनेमिक कई कहते हैं मैक्सवेल ने दिया, मैंने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में स्टेट में, तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, कंजर्वेशन करेगा। और जब कोई चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का कंजर्वेशन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिससे क्या होता जाएगा, ये न्यूक्लियस के क्या होता जाएगा, नजदीक आता आ जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, इस समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पार करेगा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर, उन्होंने केवल इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते सर्कुलर आर्बिट, तो इतना बताया था उन्होंने। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का एमिशन करेगा आपका, जब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का एमिशन करेगा तो धीरे इसकी एनर्जी लो हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के क्या क्लोज हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस में गिरेगा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता
नहीं नहीं तो पहले पॉइंट में हमें यही लिखा है बेटा, वीडियो एंड वॉइस बहुत सारे क्लियर, फिगर बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मॉडल इज अगेंस्ट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज अगेंस्ट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज अगेंस्ट अगेंस्ट द law of electrodynamics and does not explain the stability of the atom, does not explain the stability of atom, stability of atom, atom की stability को नहीं explain करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आपके जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका, तो यानी कि एटम तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, तो इसी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आखिर क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इनफाइनाइट टाइम तक वो जो है न्यूक्लियस को डिवॉल्व करता रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आता है। ठीक है, अब इसको जो अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना, फिगर आपने बना लिया, अब इसके आगे लिखने कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है, क्यों होता है हमने बता दिया आपका, ठीक है ना, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है तो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है एनर्जी कंजम्पशन करता है, जिससे इसकी एनर्जी लो होती जाएगी, धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, इस समय ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरने का मतलब क्या है, एटम का डिस्ट्रक्शन, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका है, ठीक है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो एनर्जी का क्या करेगा, पहला पॉइंट हमने बताया वही मूविंग वाला स्टेबिलिटी या फैक्टर हो गया, दूसरा भी पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों एक साथ आपको बता दिया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट और एनर्जी वाला लिखिए, इफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन If the moving electron loses if the moving electron loses energy continuously if the moving electron loses energy continuously, then the observed atomic structure, then the
ऑब्जर्व ऑब्जर्व एकॉनमिक स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको आप जान लीजिए। जो स्पेक्ट्रा आपको आइटम से मिले उसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आइटम है, आइटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के राउंड्स क्या होते हैं बेटा ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के राउंड्स क्या होते हैं आपके ऑर्बिट्स होते हैं। जो फर्स्ट सेल होता है उसे के कहते हैं, एल एम एन ओ पी, ठीक है ना। अब आपका इस फर्स्ट सेल के लिए जो एन की वैल्यू होती है 1 होती है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एन के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, और जो है एल के लिए एल की वैल्यू 4 होती है, और पी के लिए एन की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। ओ के लिए एन की वैल्यू 5 होती है, ठीक है ना, और पी के लिए एन की वैल्यू 6 होती है। ठीक, ए के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3, एन के लिए एन की वैल्यू 4, ओ के लिए एन की वैल्यू 5, और पी के लिए एन की वैल्यू 6 होता है। यानी कि जो के वाला सेल है इसमें 1 सबसेल होगा, केवल 1 एस होगा, लेकिन जो एल वाला सेल है इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है, इसमें 2 सबसेल होंगे, 2 एस और 2 पी होंगे। एम वाले में जो आपका 3 एम जो सेल है आपका इसमें 3 सबसेल होंगे, कौन कौन, 3s 3p और 3d। ऐसे एन वाले में 4 सबसेल होंगे, कौन कौन, 4s 4p और 4d और 4। ऐसे ओ वाले में 5 सबसेल होंगे आपके, ठीक है ना, कौन कौन, 5s 5p 5d 5f और 5, ये सबसेल होंगे। ऐसे इसमें 6 सबसेल होंगे आपके, ठीक है ना, इस तरीके से होंगे आपके। अब देखिए बेटा कि स्पेक्ट्रा क्या होता है वो हमने आपको बताने की कोशिश किया है। स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा समझिए, स्पेक्ट्रा ये होता बेटा कि हमने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो आपको स्पेक्ट्रा, जो ग्राफ आपको डायग्राम मिलता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे इसको समझा दिया आपको, अब मान लीजिए हमारे पास, चलिए बेटा देखते हैं, अब आपका जो है इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 E4 E5 E6, ठीक है। ये लोअर एनर्जी लेवल और हायर, हम न्यूक्लियस से अभी हो जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज करता जाएगा। लोअर एनर्जी लेवल से हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी एनर्जी जो है सबकी E1 E2 E3 यानी कि E6 इज ग्रेटर देन E5 इज ग्रेटर देन E4 इज ग्रेटर देन E3, ठीक है, इज ग्रेटर देन जो है E2, ठीक है ना। तो ये एनर्जी हम जाएंगे इधर इंक्रीज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आता, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या करेगा, इमिशन करेगा। हायर एनर्जी से लोअर मतलब E2 से E1 में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। और जब E1 से E2 में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, डार्क करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आता है, E2 से E1 में आता है तो आपका एनर्जी का इमिशन करेगा। एनर्जी किस में, जो एनर्जी का इमिशन करेगा किस फॉर्म में, पार्ले जी बिस्किट के फॉर्म में ही करेगा, वेव के फॉर्म। और वेव में क्या होता है, एनर्जी का पैकेट या बंडल होता है, जैसे फोटॉन या क्वांटम है, फोटॉन या क्वांटम कहते हैं। जब E2 से E1 में आएगा तो वेवलेंथ मान लीजिए वो 100 एंगस्ट्रॉम था, ठीक है ना। और फिर E3 से आप इसमें आएगा, आपका E1 में आएगा तो भी आपको कुछ वेवलेंथ निकलेगा। ऐसे E4 से E1 में आएगा तभी वेवलेंथ अलग होगा, E5 से सबकी सेल की वेवलेंथ अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कौन, ये है ठीक है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है। अब स्पेक्ट्रा में जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए अगर कोई वेव कॉन्टिन्यूसली 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम, तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो सभी जगह लाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइट लाइट लाइट, बिल्कुल सब जगह लाइट रहेगा। लेकिन अगर कोई जैसे 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम का कोई वेव है और किसी पट्टी पर गिर रहा है तो आपका क्या होगा, वो सभी जगह डार्क, ठीक है, डार्क। लेकिन अगर कोई वेव ऐसा है 1 एंगस्ट्रॉम फिर 3 एंगस्ट्रॉम और 5 एंगस्ट्रॉम ऐसा गिर रहा है, ठीक है ना, तो आपको जो होगा इसमें लाइट और डार्क दोनों बन,
लाइट बैंड भी बनेगा और डार्क बैंड भी बनेगा, दोनों के बीच में गैप रहेगा, क्योंकि देखिए वन एंग स्टार और टू एंग स्टार गायब है, थ्री एंग स्टार, तो बीच में डार्क बन जाएगा, डार्क आ जाएगा। तो इसी जो होता है डार्क में ऑनलाइन स्पेक्ट्रा एक होता है, क्योंकि आपका जो सेल होता है इसी सेल में सबसेल भी होता है, वन एस इसमें टू एस और टू पी, इसमें टू पी और थ्री एस, थ्री पी और थ्री डी होता है, ठीक है ना, इसी सेल में सबसेल भी होते हैं ना। अब एक सेल में जो होता जानते हैं, एक ही सेल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है उसका वेवलेंथ एक से अधिक हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक सेल में कई सबसेल होते हैं, फर्स्ट वाले जो के सबसेल है, फर्स्ट वाला जो सेल है इसमें एक ही सबसेल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका एल वाला सेल है इसमें टू एस और टू पी दोनों है, तो दोनों की एनर्जी में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अगर एस से एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन जम करके आपका ई वन में आएगा तो उसका वेवलेंथ कुछ और होगा, और जो पी से इलेक्ट्रॉन जम करके टू पी से इलेक्ट्रॉन जम करके ई वन आपका के सेल में आएगा तो क्या होगा आपका, तो उसका वेवलेंथ कुछ और होगा, ठीक है ना। सबका एक ही सेल का जो है, एक ही सेल का जो है वेवलेंथ अलग अलग मिल जाता है, तो उसी को लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन? रदरफोर्ड का एटम। स्पेक्ट्रा आगे आप लिखे हुए पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे आप स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा खुद भी कॉन्टिन्यूस, खुद भी कॉन्टिन्यूस, एटॉमिक स्पेक्ट्रा खुद भी कॉन्टिन्यूस, खुद भी कॉन्टिन्यूस, would be continuous, but the actual spectra, but the actual, but the actual spectra, actual spectra consists of several well defined lines, several well defined lines of different frequency. Of different frequency and wavelength. And wavelength. ठीक है ना? It is the called line spectrum. It is called line spectra. इसी line spectra को explain नहीं कर पाए थे कौन? Rutherford. It is called line spectra. Spectrum of atom. Spectrum of atoms. Thus, Rutherford's atomic model, does not explain you. Does not explain the line
original splendid line spectrum of the atom. Does not explain the line spectrum of the atom. Does not explain the line spectrum of the atom. Okay. नोट कर लीजिए बेटा. तीसरा पॉइंट देखिए, अगर नोट हो गया हो तो थर्ड पॉइंट आपको बताएं. ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट है रदरफोर्ड. ठीक है ना, एटॉमिक मॉडल. ठीक है ना, डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में मतलब जो ऑर्बिट होंगे, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में रिवॉल्व करेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने सेल होंगे, ये तो बता दे कई सेल होंगे, तो मतलब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आइटम में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं बताया था किसने, रदरफोर्ड ने. तो रदरफोर्ड की एग्जाम है एक डिफेक्टिव ही होगा. तीसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट से एनीथिंग. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट से एनीथिंग Does not say anything. Anything about the electronic. About the electronic structure of the atom. Electronic structure of atoms. That is distribution of electrons. इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फर्स्ट सेल में कितना होगा, सेकंड सेल में, उसको बोर्स ने बताया था. डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन को बोर्स ने बताया था, रदरफोर्ड ने नहीं. ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. एंड डज नॉट टेल. Energy of electrons. Point number 4 देखिए, बस 3 पॉइंट ही है. ठीक है, तीन ड्रॉबैक थे, तीनों ड्रॉबैक हो गए. ठीक है ना, थ्री ड्रॉबैक थे आपके. नोट कीजिए तब आगे देखते हैं. ठीक है, आज इतना ही बेटा. ठीक है, इसके आगे अब कल सुबह देखेंगे. तो थैंक यू क्लास.
नाउ विल डिस्कशन एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको बता दें। हाँ चलिए बेटा, एक बार अगेन अगेन रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। देखिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, मतलब ये नहीं बताता है कि जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस अराउंड किसी सेल में जो है ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इस सेल में होते हैं और कई कितने सेल होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आपके जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एम सेल में जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो होता है ये नहीं बताए थे कौन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने बताया 2, 8, 18, 32, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने बताया। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक। एल सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और आपका एम सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट।